आज हम बना रहे हैं वो बहुत ही यम्मी से क्रिस्पी कॉर्न, मतलब फेवरेट स्नैक लगा लो मेरा तो। तो ले लो बॉयल कॉर्न और उसमें डालो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा और इसको कर लो मिक्स, टॉस कर लो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सारे में कोट कर लो, फिर से डालो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा और फिर से ऐसे ऐसे करके टॉस कर लो। मतलब ना 3-4 चम्मच के साथ भी कर सकते हो, बट मेरा 2 में हो गया था क्योंकि मेरे कॉर्न्स बहुत कम थे, ठीक है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था बट ट्रस्ट मी, बहुत ही अम्मी बने थे यार ये, मतलब मेरी तो फेवरेट रेसिपी हो गई है, ठीक है। इसको कर लेते टॉस और फिर ना इसे फ्राई कर दो मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। और यार ध्यान रखना, मैं टिप दे रही हूँ, मतलब जब आप इसे फ्राई करो ना तो इसको कवर कर देना क्योंकि ये बहुत स्प्लिटर होते हैं, बहुत उछलते हैं ये, ठीक है। और इसको ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करना, जल जाएंगे। लो फ्लेम पे करना है, मीडियम फ्लेम पे, और देखो ये अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए तब इन्हें रिमूव कर लेना। मैंने ना ऐसे करके 2 बैचेस में करे, ज़्यादा एक साथ मत डालना नहीं तो ये हो नहीं पाएंगे, ठीक है। और जब ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए तब आप इन्हें रिमूव कर सकते हो। ये ज़रूर याद रखना, यहाँ मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इसे मतलब ढकना ही से, क्योंकि अगर नहीं ढकाना तो भाई पटाखा बच जाएगा, मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ पहले, ठीक है। तो इसलिए ना इसको ना ढक देना अच्छे से, मैंने हर बार ढका है इस बार क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ये पहले। और ये देखो हमारे कॉर्न्स कितने ज़्यादा ब्राउन और क्रिस्पी लग रहे हैं, और बहुत ही यम्मी। आप ना ऐसे भी खा सकते हो, बट हम इसको देंगे एक चाइनीज़ फ्लेवर, ठीक है। चाइनीज़ फ्लेवर के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये सारे इनका ना अब ना टिश्यू पे निकाल लेना, सारा ऑयल रिमूव हो जाएगा। फिर एक पैन में लो ऑयल, उसमें डालो गार्लिक, थोड़ी सी डालो कटी हुई प्याज और कर लो अच्छे से मिक्स, ठीक है। काफ़ी अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स मिक्स मिक्स। अदरक भी डाल सकते हो इफ़ यू लाइक, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, मैंने नहीं डाली, ठीक है। और फिर इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और डाल देंगे कैप्सिकम और वो भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। अब हम करेंगे इसमें डालेंगे 1 चम्मच, बताओ बताओ बताओ, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें शेजवान चटनी, ठीक है। ओ मैंने बिल्ली देगी, रुक जाओ। 1 चम्मच मैं डालूंगी शेजवान चटनी, 1 चम्मच डालूंगी टोमेटो केचप और 1 चम्मच डालूंगी चिली सॉस, ठीक है, थोड़ा सा नमक, और इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। ये जो हमने सॉसेस डाली है ये हमारी वेजीज के लिए, बट अभी हमारे कॉर्न्स भी आएंगे इसमें, तो हम ना हर क्वांटिटी दो दो कर देंगे, तो दो दो कर देना, मैंने बाद में करी, बट आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं देखो 1 चम्मच शेजवान, 1 चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच चिली सॉस और, ठीक है। तो फिर ये हमने कर दिया अच्छे से मिक्स, और अब हम इसमें डाल देंगे अपने क्रिस्पी कॉर्न्स। इसमें ना पानी बिल्कुल ऐड मत करना यार, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, बिल्कुल मिक्सचर के साथ मिक्स, और फिर इसकी कर दो प्लेटिंग। हाँ तो यार मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं थी, अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है ना उसके ऊपर से वो भी डालना। और भाई मैं क्या ही बताऊँ, खुद ही टेस्ट करके बता दो, जितने यमी ये लग रहे थे ना शक्ल से उतने ज़्यादा अच्छे टेस्ट में थे। तो न्यू होते चैनल को सब्सक्राइब कर दो।